जय माता दी फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्ले बाय टी एस एलियट, दैट इज द कॉकटेल पार्टी. एज वी नो, टी एस एलियट इज वन ऑफ द फेमस राइटर ऑफ हिज एरा, एंड टुडे दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉकटेल पार्टी इज वन ऑफ हिज फेमस प्ले. मीन्स अपने जो टाइम का जो प्ले था ये उसमें सबसे फेमस था, लेकिन आज जो टी एस एलियट का जो फेमस प्ले है वो मर्डर इन द कैथेड्रल एज वी नो. सो बिफोर द वी आर गोइंग थ्रू दिस प्ले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले. फर्स्ट वन इज एडवर्ड कैमरलेन, चैम्बरलेन. सो एडवर्ड चैम्बरलेन जो हैं वो कौन है? लॉयर हैं, एक हस्बैंड ऑफ लेविनिया, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड कैरेक्टर है लेविनिया चैम्बरलेन, ये इसके हस्बैंड हैं. और पूरा जो प्ले है ये इन्हीं दोनों पे फोकस है कि इन दोनों, ये दो हस्बैंड वाइफ हैं, इनके रिलेशनशिप्स को लेकर किस तरीके से ये मतलब छोड़ के चली जाती है लेविनिया एडवर्ड को, और उसके बाद वापस मिल जाते हैं इनको. तो इसी तरीके से जो लेविनिया है, इनकी वाइफ जो हैं, एडवर्ड की जो वाइफ हैं, वो बिगनिंग में जैसा कि छोड़ के चले जाती है, लेकिन वो नेक्स्ट डे ही वापस आ जाती हैं. इन सब में इनकी जो हेल्प करता है वो एक साइकेट्रिस्ट कह सकते हैं. और एक और चीज़ है लेविनिया के बारे में कि इसका अफेयर होता है पीटर के साथ. इन द सेम मैनर इसका जो हस्बैंड है एडवर्ड, उसका भी अफेयर होता है सीलिया के साथ. तो सीलिया और पीटर कौन है, अब हम उन्हीं की बात करते हैं. तो सीलिया कॉपलेस्टन ये कौन है? वॉन्ट्स टू बी एन आर्टिस्ट, एक स्क्रीन राइटर कह सकते हैं आप. सी इज होपिंग दैट एडवर्ड विल डिवोर्स लेविनिया सो दैट सी कैन मैरी हिम. वो उसे शादी करना चाहती थी एडवर्ड से, उसको लगता था कि एडवर्ड लेविनिया को डिवोर्स दे देगा और वो उसे शादी कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. एडवर्ड को रियलाइज़ होता है कि लेविनिया उसके पास वापस आ जाए, और इसलिए वो एक्साइटेड केट्रिस्ट की हेल्प लेता है. और यहाँ पे जो सीलिया का जो एंड है वो काफ़ी ट्रेजिक होता है, क्योंकि ये एट द एंड इसकी डेथ हो जाती है अफ्रीका के अंदर. और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है सर हेनरे हेरकॉट्रेले, ये एक एनिग्मेटिक डॉक्टर हैं. यहाँ पे साइकेट्रिस्ट हु टर्न्स टू बी द साइकेट्रिस्ट इन लीग विद जूलिया एंड एलेक्स टू गेट द कपल बैक टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट का काम करते हैं. क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, इस प्ले के अंदर एडवर्ड और लाविन्या जो कपल है, इनको वापस लाने के लिए, इनका मतलब एक दूसरे से मिलाने के लिए, इनकी लाइफ नॉर्मल करने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है. जो मतलब जूलिया और एलेक्स हैं, ये इनके फ्रेंड्स हैं एडवर्ड लेविनिया और इन सब के. तो जो एलेक्स मींस अलेक्जेंडर भी कह सकते हैं, अलेक्जेंडर गिब्स जो हैं वो एक पार्टी गेस्ट हैं, मतलब इनके फ्रेंड ही हैं. और जो हु इज़ वर्किंग विद जूलिया एंड रेले, क्योंकि यहाँ पे रेले, जूलिया, एलेक्स, ये सब मतलब इनको आपस में मिलाना चाहते हैं दोनों कपल्स को. तो यहाँ पे साथ ही साथ ट्रैवलर हु रिकाउंट्स एक्जोटिक टेल ऑफ हिज एडवेंचरस अब्रॉड. पीटर क्विल्पी की बात करें तो विद होम लावण्या हैज़ एन अफेयर. जैसा कि मैंने बताया कि लावण्या का अफेयर इसी के साथ था, पीटर के साथ में ही. बट हु यर्न्स फॉर सीलिया, मतलब लेकिन इसको बाद में ऐसे लगता है कि आप कह सकते हो कि साथ ही साथ ये सीलिया से प्यार करता है, मतलब अफेयर इसका लावण्या के साथ में होता है, लेकिन ये एक्चुअल में सीलिया को चाहता है. फिर जो कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लास्ट वन इज़ जूलिया. जो जूलिया है वो मतलब टर्न्स आउट टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट रिकनसलेशन बिटवीन एडवर्ड एंड लेविनिया. तो यहाँ पे इन ये जो दोनों हैं एडवर्ड और लेविनिया, इनको मिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, जूलिया का भी. इनके फ्रेंड सर्किल है ये, जो ये कॉकटेल पार्टी में ये आते हैं. तो अब हम सबसे पहले तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं टी एस एलियट की. एज वी नो ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पोइट्री एंड प्लेज एंड कंसिडर टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग ब्रिटिश राइटर ऑफ हिज एरा. इन द सेम मैनर जो कॉकटेल पार्टी है ये इनका मोस्ट पॉपुलर प्ले है. बट ऑल दो एज वी नो टुडे इज 1935 प्ले जो है मर्डर इन द कैथेड्रल इज़ बेस्ट नोन. इफ़ यू डोंट रीड दिस
प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई एम गोइंग टू पेस्ट इट देयर फॉर यू यू कैन सी ओके टी एस एलियट वॉन द 1948 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न डे पोएट्री एंड नाउ इफ यू मूव टू द प्ले द कॉकटेल पार्टी इज मोर एक्यूरेटली कंसिडर्ड रियलिटी प्ले और ए ड्रामा मीन्स अगर इसको देखा जाए तो ये कॉमेडी है ये प्ले लेकिन साथ ही साथ मतलब मॉरल भी हमें बताता है कुछ चीज़ों को पे फोकस कर रहा है ये प्रोवाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फोकसिंग ऑन अ ट्रबल्ड मैरिड कपल दैट सेटल्स देयर प्रॉब्लम्स एंड मूव ऑन विद देयर लाइफ विद द हेल्प ऑफ ए मिस्टीरियस स्ट्रेंजर हु अटेंड कॉकटेल पार्टी एज वी नो जिसका मैंने अभी बताया था उन वो जो मिस्टीरियस जो स्ट्रेंजर है उन्होंने उनकी हेल्प की है और यहाँ पे वो क्या करेंगे कि इन दोनों कपल्स को मिलाने में हेल्प करेंगे जो साइकेट्रिस्ट एंड इट एक्सप्लोर्स थीम्स दैट आर कॉमन इन मैनी ऑफ द इलियट्स वर्क ऑल्दो इट स्टार्ट आउट सीमिंग टू बी सैटायर of traditional British drawing room comedies over the course of the play it takes on the tone of a darker philosophical study of human relations. So here we are going to discuss about the play and in the play begins from the Edward Chamberlain's house. You can say a lawyer hai who is hosting a cocktail party ki Edward jo hai ek lawyer hai aur ye ek cocktail party dene ja rahe hain yahan pe Chamberlain ke sath mein unke jo friends hain Celia hai Julia hai Alex Alexander Peter and an undefined identified guest to ye आइडेंटिफाइड जो गेस्ट है मीन्स यहाँ पे साइकेट्रिस्ट की बात है हो रही है होप आपको नाम याद होगा इस इन साइकेट्रिस्ट का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो सर हैरी जो हैं यहाँ पे तो इनका रोल काफ़ी इसके अंदर है और इट वाज अरेंज्ड बाय हिज वाइफ लावण्या बट सी इज़ नॉट प्रेजेंट देयर इन द पार्टी क्योंकि ये जो होस्ट कर रहे हैं इस पार्टी को यहाँ पे लेकिन यहाँ पे अब जिसने ये होस्ट की थी इनकी जो वाइफ है लावण्या अब वो नहीं है जैसा कि मैंने बताया बिगनिंग में ही वो चली जाती है एडवर्ड को छोड़ के एंड देयर कन्वर्जेशन लीड्स टू द रेवल्यूशन दैट लावण्या हैज़ रिसेंटली लेफ्ट एडवर्ड द टू हैज़ बीन मैरिड फॉर 5 years बट हैव नो चिल्ड्रन अभी उनके कोई बच्चे नहीं हैं 5 years हो गए हैं उनकी शादी को और इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडवर्ड है वो अपने जो अनआइडेंटिफाइड जो गेस्ट है उसको मतलब अभी नाम रिवील नहीं किया है जो साइकेट्रिस्ट हैं उनको बताता है कि मतलब किस तरीके से उनके मतलब लावण्या और उनके बीच में रिलेशंस चल रहे हैं और वो किस तरीके से छोड़ के चली गई है तो वो उसे कहता है कि मतलब दूरियां भी अच्छी होती हैं बोथ ऑफ मीन सेपरेशन कुड बी ए गुड थिंग फॉर बोथ ऑफ देम लेकिन यहाँ पे एडवर्ड ये चीज़ क्लियर कर देता है कि अब वो लावण्या को वापस बुलाना चाहता है तो यहाँ पे उसके हेल्प के लिए वो कहता है कि ओके आई विल प्रॉमिस यू कि मैं कल लावण्या को तुम्हारे लिए ले आऊँगा लेकिन तुम्हें बट दैट एडवर्ड इज़ नॉट टू आस्क हर एनी क्वेश्चंस ओके उसको कोई क्वेश्चंस पूछने वाला नहीं है एडवर्ड बट व्हाट हैपन टू हर वाइल सी वॉज गॉन ओके ये सब कुछ उसे नहीं पूछना है इस शर्त पे ही वो साइकेट्रिस्ट उसको लेके आएगा तो इस तरीके से जो कॉकटेल पार्टी के जो गेस्ट हैं वो जब जाते हैं उसके बाद में ये रिवील होता है कि एडवर्ड जो है उसका अफेयर जैसा मैंने बिगनिंग में बताया था कि सीलिया के साथ में है और लेकिन उन्होंने जो रिलेशन है वो डिसाइड कर लिया था कि वो ख़त्म करेंगे ये अफेयर को जैसे ही लावण्या जब उसको छोड़ के जाती है और जैसा कि मैंने बताया जो गेस्ट आते हैं जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि नेक्स्ट डे वो लावण्या को लेके आएंगे और इस तरीके से जब वो ये सब कह के चले जाते हैं तो एडवर्ड उसके बाद में एक और गेस्ट को मिलता है पीटर को और जो पीटर है वो उसको बताता है कि वो सीलिया को चाहता है और सीलिया से बात करना चाहता है अगर उसकी हेल्प करे तो एडवर्ड उसकी हेल्प करेगा तो शायद मतलब उससे बात कर सकेगा और एडवर्ड उसकी हेल्प पीटर की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है
तो इस तरीके से जो एक्ट वन है इस प्ले का वो ख़त्म होता है यहाँ पे, कि लावण्या जो है वो अपने ओल्ड हाउस को वापस आ जाती है, अपने जो गेस्ट हैं बाकी के वो भी हैं, और जो अनआइडेंटिफाइड गेस्ट है वो आता है, लेकिन जैसे ही अदर गेस्ट आते हैं अंदर वो डिसअपियर हो जाता है। तो सेकेंड एक्ट में जैसा कि मैंने बताया सर, हेनरी जो होते हैं वो वही अनआइडेंटिफाइड गेस्ट होते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था फ्रेंड्स, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में एक्ट वन में ये हाइड करके रखते हैं कि एक्चुअल में अनआइडेंटिफाइड गेस्ट कौन है, तो वो हैं सर हेनरी हरगॉट ट्रेले, एंड वो एक थेरेपिस्ट हैं, मतलब यहाँ पे वो जो साइकेट्रिस्ट हैं वो उनका सेशन लेते रहते हैं, जॉइंट सेशन लावण्या एंड एडवर्ड का, और ओपन डिस्कशन करते हैं अबाउट द रियलिटीज ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड अल्टीमेटली डिसाइड टू गिव इट अनदर ट्राई, कि अपने रिलेशन को तुम एक और मौका दो। आफ्टर दैट आफ्टर दे लीव सीलिया कम्स टू विजिट रेले, सी इज़ फीलिंग डीपली गिल्टी ओवर हर सिन एंड सर रेले टेल्स हर दैट शी कैन आइदर एक्सेप्ट द सिंपल थिंग्स इन लाइफ एंड बी कंटेंट एंड सी कैन टेक ए परलियस जर्नी टू फाइंड हर ट्रू पर्पस, कि यहाँ पे जैसे ही उनको ये बोलता है दोनों उनको एडवर्ड एंड लावण्या को कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप को और चांस देना चाहिए, एक और अनदर ट्राई करो, तो यहाँ पे बाद में सीलिया आती है साइकेट्रिस्ट उसी रैले के पास में, सर रैले के पास में, और वो कहती है कि मतलब जैसे मेरी वजह से इनका रिलेशन ख़राब हुआ या फिर मेरे अफेयर्स जो एडवर्ड के साथ में, तो उसको काफ़ी गिल्ट फील कर रही है, और उस गिल्ट की वजह से वो जो सर रैले हैं उनसे मतलब कुछ ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए कहती है जिससे उसको कि अब वो क्या करे लाइफ में। तो जो सर रैले हैं वो उसको बताते हैं कि या तो तुम टू बी कंटेंट और यू कैन टेक ए परलियस जर्नी, मतलब वो एक ऐसी यात्रा पे निकले जैसे कोई हॉली कोई गॉड गॉडेस ऐसी चीज़ों के लिए सोचे और अपने जो उस पर वर्क करे, ग्रेटर ऑनेस्टी एंड पर्सनल सेल्वेशन पे। तो इस उसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये वो यही चूज़ करती है कि मुझे एक जर्नी पे निकलना चाहिए फॉर द टूवर्ड्स अ लाइफ ऑफ ग्रेटर ऑनेस्टी एंड पर्सनल सेल्वेशन। और इस तरीके से मतलब जो सेकेंड एक्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है, और थर्ड एक्ट मीन्स फाइनल एक्ट में क्या होता है कि 2 साल बाद का जो सीन आता है जिसमें लावण्या और एडवर्ड हैं वो कॉकटेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल फ्रेंड्स भी होते हैं, जूलिया एलेक्स और पीटर वगैरह भी होते हैं, और जो पीटर है उसको सक्सेस मिल गई है, वो सक्सेस एज ए राइटर इन हॉलीवुड, एंड यहाँ पे वो जो सारे जो फ्रेंड्स बैठे हैं दे डिस्कस सीलिया के बारे में बात कर रहे हैं, हु चूज टू गो टू अफ्रीका एंड बिकम ए मिशनरी बट ट्रेजिकली डाइड शॉर्ट टाइम लेटर ड्यूरिंग ए प्लेग आउटब्रेक, लेकिन वो वहाँ पे अफ्रीका में जाती है लेकिन वहाँ पे वो मर जाती है। सी इज़ नाउ कंसिडर ए मार्टियर एंड साइकेट्रिस्ट बिलीव दैट टू हैव बीन हर डेस्टिनी एंड द वे शी फाउंड हर पर्पस इन लाइफ, कि वो अपना लाइफ में पर्पस ढूंढने के लिए गई थी गिल्ट में, और साइकेट्रिस्ट ये भी कहता है साथ ही साथ कि यही उसकी डेस्टिनी थी। इस तरीके से जो प्ले है ये ख़त्म होता है, सारे लोग मतलब साथ में, मतलब जो वेयर दे बिलोंग जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे जो एक पर्सन है यहाँ पे एडवर्ड और लावण्या के बीच में पैचअप हो जाता है, बाकी सब हैप्पी हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो सीलिया है इसका ट्रेजिक एंड होता है थोड़ा सा, और साथ ही साथ जो पीटर थे जो इसको लाइक करते थे उनको काफ़ी मतलब बुरा लगता है कि इनके साथ क्या हुआ। तो इस तरीके से जो जो प्ले है वो एंड हो जाता है, और जो लावण्या एंड एडवर्ड है वो वेटिंग फॉर द पार्टी टू बिगिन। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट द कॉकटेल पार्टी, होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल एंड पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स।